अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से, जहां प्रशासन द्वारा शनिवार को दोपहर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। एसडीएम एपी द्विवेदी और एसडीओपी नवीन दुबे ने राजस्व विभाग, पुलिस और नगर परिषद की टीम के साथ मऊगंज बस स्टैंड के बाहर और भाटी रोड पर अतिक्रमण विरोध अभियान चलाया। इस दौरान यातायात व्यवस्था में बाधक कई अवैध कब्जों को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त करवाया गया और जेसीबी की मदद से दुकानों के टीन टप्पर तोड़ दिए गए हैं और सामग्री जब्त कर ली गई है। यहाँ पान, सिगरेट, खाने पीने के ठेले रेहड़ी पटरी पर लगाए जाते हैं, जिनसे अतिक्रमण की बुनियाद पर बिल्डिंग खड़ा करने वाले कई दुकानदार अपने सामने इन्हें धंधा करने देने की एवज में किराया वसूल करते हैं। तो वहीं नगर में बस स्टैंड के बाहर और भाटी रोड की बस, टैक्सी और ऑटो वाले सड़क पर वाहन खड़ा कर यहाँ से सवारियों को उठाते हैं। यहाँ के दुकानदारों द्वारा दुकानें सड़क किनारे तक बढ़ाने के कारण उनके ग्राहक भी सड़क पर अपने वाहन को पार्क कर देते हैं, जिसके चलते नगर में आने वाले वाहनों के पहिए थम जाते हैं। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल द्वारा स्वीकृत सड़क चौड़ीकरण की योजना अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल प्रशासन यहाँ सख्त कार्यवाही करते हुए सड़क के किनारे के अतिक्रमण की समस्या दूर कर दे तो जाम में लोगों को नहीं फंसना पड़ेगा। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।